प्रॉब्लम ये क्या लिखे निर्माण बेचारा गरीब आदमी है क्या भाई क्या भाई आप हम ले सकते पेन से ठीक है सर। आज आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपने बताया था कल आप यहाँ पे, आप जाने से पहले टीन शेड लगा दिए गए हैं, यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण भूमि है, अभी भवन निर्माण है। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड अधिकार क्यों, किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहां इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहां पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे, और कब तक लगा के रखें टीन शेड? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, एक साल, दो साल, और दो साल के बाद? अखिलेश जी कल ट्रैफिक डायवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे, और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डायवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी जो खड़े हुए आराम से।